प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही बस पर हमला, दोनों आतंकी ढेर, एएसआई बलिदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू आगमन से दो दिन पूर्व जम्मू के सुंझावा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के दो आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और एक जवान भी बलिदान हो गया है, जबकि 6 जवान घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया जॉनसन का स्वागत, ब्रिटिश पीएम बोले थैंक यू। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। ब्रिटिश पीएम गुरुवार को अहमदाबाद पहुंचे थे, शुक्रवार को वहां पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जॉनसन दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस दौरान 100 अरब रुपए के निवेश के करार होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ब्रिटिश पीएम शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने उनका जमकर स्वागत किया और साथ ही साथ ब्रिटिश पीएम ने भी पीएम मोदी को थैंक यू कहा है। दिल्ली एनसीआर में आज धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। जाने आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। राजधानी दिल्ली में आज का मौसम मिजाज बदलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज बारिश के आसार हैं। दिल्ली और आसपास के हिस्सों में मौसम गुरुवार को बदल सकता है। थोड़ी गर्मी के बाद गुरुवार को एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चल सकती है। फिर बढ़ता जा रहा कोरोना का खौफ, करीब आज आए 2500 से ज्यादा केस। देश में कोरोना का ग्राफ चढ़ गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2500 के करीब मामले देखे गए हैं। ये नंबर गुरुवार के मुकाबले थोड़े ज्यादा हैं। लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को 2380 के करीब मामले सामने आए थे। देश में फिलहाल कोरोना के 14,240 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली पुलिस ने लगाई कई सीसीटीवी कैमरे, अस्थायी निगरानी स्टेशन भी होगा तैयार। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हुई हिंसा और अतिक्रमण विरोधी अभियान पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई के मद्देनजर कड़ी निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस ने इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। साथ ही पुलिस ने इन इलाकों में अस्थायी मॉनिटरिंग स्टेशन भी स्थापित कर दिए हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ।